मैं रुचि, आपकी गार्डनर दोस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं आपसे जेट प्लांट के बारे में बात करूंगी। ये देखिए कितना सुंदर मेरा जेट प्लांट का प्लांट हो रहा है, पर इसको लगाना बहुत आसान है। देखिए इसकी कटिंग आराम से लग जाती है, छोटी से छोटी आप कटिंग ले सकते हो। इसका कटिंग लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से आप कटिंग लगा सकते हो। ये देखिए, ये मैंने सिर्फ इतनी छोटी सी कटिंग काटी है। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कटिंग को हम किस तरह से लगा सकते हैं। अब आप ये देखिए, इस तरह से ये कटिंग है और मैंने इसके नीचे के पत्ते ये सारे हटा दिए हैं। इन पत्तों को रिमूव कर देना चाहिए। ये प्लांट जो होता है बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, इसको ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको दो दिन में भी पानी दे सकते हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कटिंग लगाना। ये देखिए बहुत छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है। अगर आप इतनी कटिंग लेंगे ये आसानी से लग जाएगी। मैं दिखाती हूँ आपको इसकी कटिंग लगाना। देखिए ये देखिए, ये मेरा एक बाल्टी है पेंट वाली, मैं इसमें लगा के दिखाना चाहती हूँ। देखिए आप इसके पत्ते रिमूव करके और बस इसको इस तरह से इसकी मिट्टी को यूँ दबा देना चाहिए और इसकी कटिंग आसानी से लग जाती है। इसकी कटिंग लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं है और ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। सब सीज़न में ये ग्रो हो जाती है, आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। मैं दिखाती हूँ कि मैंने और भी कितनी सारी कटिंग लगाई हुई है। ये देखिए, ये भी मैंने कटिंग के साथ ग्रो किया हुआ है, रेनी सीज़न में ग्रो किया था और कितने आसानी से ये पौधा चल रहा है। और ये भी देखिए, ये भी मैंने कटिंग से लगाया हुआ है। इधर मैंने गुलदाउदी लगाया हुआ है और ये मैंने आलमंडा की कटिंग लगाई हुई है और ये मेरा जेट प्लांट है। जेट प्लांट लगाना बहुत ही आसान प्लांट होता है और इसको ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसको 3-4 घंटे की धूप बहुत चाहिए। इसको धूप ज़रूरी होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि प्लांट्स को छांव में रख देते हैं या इंडोर रख लेते हैं, तब उनका प्लांट नहीं बढ़ता और वो कहते हैं कि हमारा जेट तो होता ही नहीं है। लेकिन इसका कारण यही होता है कि अगर हम इसको धूप ना दें तो ये पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसकी मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा मिट्टी पानी देने से भी इसका प्लांट ख़राब हो जाता है, इसलिए इसकी मिट्टी जो ऐसी होनी चाहिए कि बेल ड्रेन वाली, आराम से इसमें पानी डालो, नीचे से सारा निकल जाए, तब तो इसका प्लांट बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। और ये किसी भी महीने में भी लगा सकते हो, अब जनवरी में, फरवरी में। ऐसा नहीं है कि ये रेनी सीज़न में ही लगेगा या सर्दियों में लगेगा या नवंबर में लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप एक इतनी सी स्टिक लें और इसके नीचे के पत्ते रिमूव करके आसानी से किसी भी गमले में लगा सकते हो। देखिए ये वाला जो प्लांट है मेरा मदर प्लांट है, मैंने इसको ओनली 20 रुपीज़ में लिया हुआ था, बस एक स्टिक थी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये देखिए इसका कितनी सुंदर इसका रूप हो गया है और इसमें बहुत सारी स्टिक निकल रही हैं। और मैं इसको जब मर्जी आती हूँ तब देखती हूँ इसकी कटिंग बना के और लगा देती हूँ। बहुत सुंदर, देखने में भी बहुत सुंदर प्लांट लगता है। और ये देखिए दूर से देखिए आप इसको, बहुत सुंदर प्लांट लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा बुशी हो चुका है, इसमें कोई खाद की ज़रूरत नहीं होती, बस हल्की सी धूप मिल जानी चाहिए। धूप मिलने से इसके पत्ते जो हैं वो ग्रीन रहते हैं। और अगर इसको धूप नहीं मिलती है और इसके पानी ज़्यादा दोगे आप इसमें, तो इसके जो पत्ते होते हैं वो पीले होकर नीचे गिर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने जेट प्लांट को ज़्यादा पानी ना दीजिएगा और इजीली ग्रो कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।